हुए बीजेपी ने कांग्रेस को पटकी दी, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन क्या कांग्रेस हार चुकी है? क्या उसके विजन फेल हो चुके हैं? क्या कांग्रेस अब दिल्ली में काम नहीं कर रही? आपको सबको पता है, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर कौन कांग्रेसी है, कौन भाजपाई है, कौन समाजवादी है। मैंने फिर कहा कि मैं यहाँ पर आम हूँ और आम बनकर बात कर रही हूँ। आपको पता है कि सिस्टम एक है, सिस्टम के नुमाइंदे एक हैं, सिस्टम में काम करने वाले लोग एक हैं, लेकिन अगर उसमें से एक भी समाज हित के बारे में सोचेगा तो नरेंद्र मोदी को बहुत लोगों ने सलाम किया। क्या नरेंद्र मोदी में जो क्षमता है वो राहुल गांधी में नहीं है? आप जितनी भी योजना परियोजना देखेंगे, मैं खुलेआम इस बात को कहने की ताकत रखती हूँ कि आज जो विजन वाली पॉलिटिक्स है वो कांग्रेस ने पैदा की है। कांग्रेस ने जो नेता बनाए हैं उन्होंने देश का वास्तव में उद्धार किया है। कांग्रेस ने जो सोच पनपी है, कांग्रेस ने जो आगे नेता दिए हैं, वो कहीं ना कहीं देश को बहुत आगे कड़ी में जोड़ते आए हैं। जनता है, बदलाव चाहती है, बदलाव होते हैं। हम भी चाहेंगे कि डॉक्टर मोहम्मद रियाज अगर काम करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं तो उनकी जगह कोई ऐसी कड़ी जुड़े जो AICSO को इतना आगे ले जाए जो कि उसका विजन था। वही हुआ है, बदलाव हुए हैं, लेकिन जोरदार तालियां इस मिशन को बनाए रखने के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए भी जो कि ये एकता दिवस मनाया जा रहा है। डॉक्टर मोहम्मद रियाज से मैं चाहूंगी वो भी मंच पर आए, क्योंकि मुझे पता नहीं कि उनकी कड़ी में आगे प्रोग्राम क्या है। आप सब यहाँ पर हैं, सभी को जानती तो नहीं हूँ, लेकिन एटलीस्ट ये दिखा कि मेरे चंद शब्दों से सभी में एनर्जी आई है, तो यही ऊर्जा चाहिए जीवन में। और मेरा तो नाम ही प्रज्ञा है। अपने बारे में मैंने आप लोगों को कुछ भी नहीं बताया। वैसे मैं पेशे से एक जर्नलिस्ट हूँ, दिल से एक समाज सेवी हूँ, घरेलू में एक मैं अच्छे होनहार पति की वाइफ हूँ, लेकिन मैं एक आम आदमी भी हूं जिसे हर एक की बात कहनी है, हर एक को समझना है और देखना है कि सही और गलत क्या है।